बिसमीम गुजत दो असात में मैंने अपनी किताब नगर नगर पंजाब यानी पंजाब के शहर और कस्बा की तारीख और तहजीब के वाले से कुछ बातें बयान की थी पंजाब के अंदर शहरों का इर्तका तमदनी तहजीबी तौर पर जो हुआ उसके वाले से गुफ्तु -गु मुख्तर तौर पर की थी आज हम मख्तर तौर पर ये जायज़ा लेंगे कि मुख्तलिफ़ अदवार में जो पंजाब के अंदर जो शहर मुख्तलिफ़ बने वो कितनी तादाद में थे और फिर बिलखसूस सिखों के दौर के अंदर जो पंजाब के अंदर नए शहर बने वो किस तरह के थे और कौन से थे गुजतः किस्तों के अंदर मैंने कदीम शहरों का जिक्र किया इस वक्त जो मेरी तहक़ीक है उसके मुताबिक पंजाब के अंदर जो शहर आबाद चले आ रहे हैं और जो बहुत कदीम हैं वो तीस के करीब हैं इन तीस शहरों में मुल्तान है लाहौर है क्लम्बा है उज शरीफ है दीपालपुर वगैरह है तो इन शहरों समेत तीस ऐसे कस्बे या शहर हैं जो माजी कदीम से एक हज़ार साल से भी ज़्यादा अरसे से वो आबाद चले आ रहे हैं कई शहर तो चार हज़ार साल पुराना अपना दौर रखते हैं जिसमें लाहौर भी शामिल है मुल्तान भी शामिल है तो इसके अलावा अगर हम मुगल दौर से पहले के आबाद करदा शहरों का जिक्र करें सलातिन का पीरियड था या उससे कदरे पहले का पीरियड था तो 84 ऐसे चौरासी ऐसे शहर हैं जो मुगल दौर से पहले से आबाद हमें नज़र आते हैं उनमें रावलपिंडी है है गुजरखां है हसन अब्दाल है जहलम है डस्का है कुंजा का शहर है पिंडी भटियाँ है खुशाब है ईसा खेल है मनकेरा है करोड़ लाल ईसन है बसीरा है मिठनकोट है चीचावतनी है कसूर का शहर है कंगनपुर है शरकपुर है ननकाना साहब है जंग है चनेट है शोरकोट है तो जंग चनेट शोरकोट ये तो ऐसे शहर हैं जो मुगल दौर से पहले के आबाद हमें नज़र आते हैं फिर मुगल दौर का हम तस्करा करें तो 120 ऐसे शहरों का तस्करा हमें मिलता है या तहकीक़ के बाद नज़र आते हैं जो इस वक्त आबाद हैं और जो मुग़ल दौर के अंदर वो हमें बनते हुए नज़र आए मुग़ल दौर ज़ाहिर है एक तवील दौर है और उस दौर के अंदर शहरी तौर पर तमदनी तौर पर बहुत तरक्की हुई है पुरमन दौर था वो उसमें अटक का शहर है हज़रों का शहर है चकवाल शहर है जो मुग़ल दौर में बना पिंड दादन ख़ान है पसरूर है लाला मूसा है कामों की है वज़ीराबाद है इमनाबाद है गखड़ है हाफज़ाबाद का शहर उसी अकबर के ज़माने में बनता हुआ हमें नज़र आया मियाँ आबाद बुबा इस ज़माने में कुंदियाँ उस जमाने में वजूद में आया राजनपुर का शहर है रुझान है शाजा है मेलसी है शेखुपुरा जो जहांगीर बादशाह के नाम पर उसको शहजादा शेखू कहा जाता था ये उसके नाम पर वजूद में आया खुडिया है मुरीद के है शाहकोट है कमालिया का शहर है इस तरह के शहर और कस्बात जो हैं हमें मुगल ज़माने के अंदर बनते हुए नज़र आते हैं फिर हम देखते हैं कि जो मुगलों का आखिरी ज़माना था जब जवाल का ज़माना था तो उसमें भी कुछ शेर आबाद हुए तो उस उस वक्त 46 सिक्स शहरों का तस्करा में मिलता है कि उस ज़माने में जो शेर आबाद हुए वो फ़ोर्टी सिक्स शेर ऐसे नज़र आते हैं उसमें रसूल नगर है चेलियाँ वाला है मुखड है कोट है चौक आज़म है मुजफ्फ़रगढ़ है ख़ानगढ़ है कबीर वाला है पत्तो की है राइबेंड है बहाबलपुर है रहीम यार खान है ये अहद मगलिया के आखिरी ज़माने के शहर हैं जो आबाद हुए और पंजाब के अंदर इस वक्त आबाद चले आ रहे हैं इनकी तादाद छियालीस के करीब है इसके अलावा सिखों का ज़माना जब शुरू होता है मुग़लों का जवाल हुआ तो पंजाब सिखों के कब्ज़े में आ जाता है और इसके अंदर इब्तई तौर पर रंजीत सिंह के आने से पहले जो दौर था वो सिखों का वो दौर था जब लूट मार और बदअमनी का ज़माना था उसमें कई शहर आबाद हुए तबाह बर्बाद हुए पुरानी तमीरत को नुकसान पहुँचाया गया लेकिन जब रंजीत सिंह ने पंजाब के ऊपर कब्जा किया तो अमन कायम हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इस्तेकाम पैदा हुआ तो तब पंजाब के अंदर कुछ तमदनी तौर पर तरक्की भी हुई और तब्दीलियाँ भी रूनमा हुई अगरचे रंजीत सिंह ने भी कई शहरों को बर्बाद किया कई मुग़ल दौर की निशानियों को मिटाया और तबाह बर्बाद हुए वो शहर और कस्बात या तमीरात लेकिन फिर रफ्तार रफ्तार जैसे थोड़ा सा इस्तेकाम मिला और अमन कायम हुआ तो हम देखते हैं कि रंजीत सिंह ने भी इस्तेकाम पैदा करने के लिए फिर कुछ नई तामीरात शुरू की कुछ नए शहर आबाद हुए कुछ कि नई बस्तियाँ जो थीं वो आबाद होना शुरू हुई हमें इस हवाले से नज़र आता है हम देखते हैं कि सिखों के ज़माने में एक ऐसा शहर वजूद में आता है जो इसका इससे पहले नामो निशान तक नहीं था अगर हम देखें तो सिखों के ज़माने में तेरह ऐसे कस्बे या शहर हैं जो मंरियाम पर आते हैं उन तेरह कस्बों का अगर हम जिक्र करें तो गुजरा वाला एक कैसा शहर है जो सिखों का शहर कहा जा सकता है उनके आबाद करदा आबादियों में से कहा जा सकता है अगरचे ये आबादी मौजूद थी ये आबादी मौजूद थी रंजीत सिंह से पहले चिड़ सिंह सुकरचकिया मिसल के आप कहने जेर दसरस ये था महान सिंह भी यहाँ था रंजीत सिंह की हवेली भी वहाँ मौजूद है लेकिन ये एक छोटा सा गाँव था ये शहर का दर्जा इसको हासिल नहीं था लेकिन इसको तरक्की जो मिली वो रंजीत सिंह के ज़माने में मिली वो कैसे मिली इसका हम तस्करा करते हैं लेकिन पहले हमें ये देखना है कि सिखों के ज़माने में जो तेरह कस्बे और शहर आबाद हुए वो कौन से थे उसमें किला कालर वाला था जो फिर शिक्डगढ़ था किला सोबा सिंह था किला दीदार सिंह था ये सारे इसी इलाके में थे जो नारोवाल सियालकोट और गुजरावाला ज़िला में वाक़ हैं इसके अलावा अगर हम जनूबी पंजाब में देखें तो वहवा और ख़ानपुर का जो शहर है और ख़ान का शरीफ है ये इलाके उस ये कस्बात सिखों के ज़माने में ही वजूद में आते हुए उस वक्त देहात की शक्ल में वजूद में आए होंगे बाद में ये कस्बात की शक्ल अख्तियार करते चले गए फिर हम देखते हैं कि गुगड़ा गिले वाला ये डिस्ट्रिक्ट लोधे वाल लोधरा में है फिर माछीवाल जो है ये बिहाड़ी में है ये भी उस ज़माने के आबाद करदा कस्बात हैं डिस्ट्रिक कसूर के अंदर ये भी लाख चूँकि जो सिख मिसल थी उसके जेर दसरस रहा लिहाजा मक्ल और ललियानी ये जो कस्बात हैं ये भी सिखों के ज़माने में वजूद में आते हुए हमें नज़र आते हैं हम देखते हैं कि जो उस ज़माने में गुजरामला था मैंने पहले बताया कि मुग़लों के ज़माने में गुजरा माला का शायद ही नामों निशान हो लेकिन जब सिखों की चट्टों के साथ लड़ाई हुई तो साथ ही एक रसूल नगर का कस्बा आज भी छोटा सा है उस ज़माने में रसूल नगर एक तरक्की याफ्ता अब तमदनी तौर पर आबाद बड़ा शहर था तजारती एतवार से वहाँ से वहाँ एक बड़ी मंडी थी तजारत की और जरी मंडी थी वहाँ से घी जो था लाहौर और अमृतसर तक जाता था और इर्द गिर्द के तमाम लोग वहाँ आकर कारोबार की गरज से आके और ख़रीदो फरोख्त के वाले से आते थे लेकिन और यह चट्ठों का मरक़ था लेकिन जब चट्ठों को शिकस्त हुई रंजीत सिंह के के मुकाबले में सिखों के मुकाबले में तो रंजीत सिंह ने गुजरा वाला को तरक्की देने के लिए रसूल नगर से लोग उठा उठा कर वहाँ आबाद किए गुजरावाला में तो कारोबार वहाँ मुंतकिल होता चला गया आबादी वहाँ मुंतकिल होती चली गई आज भी रसूल नगरी मोहल्ला वहाँ गुजरा वाला के अंदर मौजूद है तो इस तरह से रसूल नगर को जवाल होना शुरू हुआ और गुजरा वाला को तरक्की मिलना शुरू हुई और रंजीत सिंह के अपने ज़माने में ही हम देखते हैं कि जो गुजरा वाला है वो एक कस्बे की शक्ल अख्तियार करता चला गया और फिर बाद सिखों का ज़माना आते आते उसको बाकायदा एक शहर की असी हासिल थी और वो ज़िले का दर्जा उसको दिया गया सिखों के ज़माने में हम देखते हैं कि उसका शहरों का निज़ाम किस तरह से चलाया जाता था शहरों का निज़ाम मुख्तलफ़ परगनों में इलाके को तकसीम किया जाता था हर परगने का एक कारदार होता था इब्तई तौर तो पर तो ये किया गया बाद अज़ा फिर मुख्तल प्रगनों को मिलाकर वो परगने बड़े कर दिए गए आप यूँ कह लीजिए कि जिस तरह से आज एक डवीजन है उस तरह से उन परगनों पर मुश्तम एक हल्का बड़ा करके उसके अंदर फिर कारदार जो थे और सरकारी अफसरान थे वो मुकर्र किए गए छोटे कस्बों और देहातों के अंदर पंचायती सिस्टम राज था छोटे मोटे मामलों को तय करने के लिए तो इस तरह से शहरी निज़ाम और, और को चलाने के लिए ये जो मुंतज़िम और अफसरान थे उनको मुकर किया जाता था मालिया वसूल करने के हवाले से कारदार और उनके नीचे भी कारिंदे उसके होते थे और इंसाफ की फ्रहमी के लिए बाकायदा काज़ी और इस तरह के जज भी मुकर किए जाते थे तो यूँ हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर जो सिखों के ज़माने में आबाद करदा तेरह जिन कस्बात का जिक्र किया और सबसे बड़ा शहर जो गुजरा वाला उस जमाने का था उसके अंदर तमदनी और तहजीबी तौर पर तब्दीली यूँ रूनमा हुवी के आज पाकिस्तान के बड़े शहरों में एक शहर सनती तौर तो पर भी हब जो है वो गुजरा वाला हमें नज़र आता है इनशाला अगले किस्त में हम देखेंगे कि जो अंग्रेज़ी दौर तो में पंजाब के अंदर आबाद होने वाले कस्बात और शहर हैं उनका हम तस्करा करें और फिर इनशाला हर शहर का अलग अलग तौर तो पर तस्करा करते चले जाएँगे बहुत शुक्रिया